नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन नई न्यूज। स्पिन नई न्यूज में आज बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जी हां, राहुल गांधी को बाखूबी हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इन दिनों 5 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी कैसे नई कांग्रेस बनाने में लगे हुए हैं, ये समझना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है। राहुल गांधी सबसे पहले तो वो जो है कर्नाटका गए, वहां के लोगों से मुखातिब हुई, वहां से बातचीत की और उन्होंने वहां लोगों को जीत का मंत्र भी दिया और नई सरकार जो है बनाने की कोशिश की। नई सरकार इन द सेंस ये वो कहना चाहते हैं कि 5 राज्यों के नतीजे जो आए उसको देखकर आप जो है अपने मनोबल को कमजोर ना करें, अपने आप में टूट ना जाएं। और इसी चीज को नसीहत देते हुए उन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया कि आज कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीज समझनी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो पूरा मामला है वो यही कि 5 राज्यों की हार के बाद राहुल गांधी थोड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जो हार का सामना करना पड़ा है वो बेहद ही चिंताजनक है और सवाल खड़ा करता है। इन्हीं तमाम जिम्मेदारियों को समझते हुए राहुल गांधी कर्नाटका में जो है लोगों को संबोधित करते हुए, अपने पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आखिर हमें अब कैसे काम करने की जरूरत है, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ चूक हुई, इन सब को देखते हुए अब एक नए प्लेटफॉर्म पर चलने की जरूरत है, लोगों से मुखातिब होने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। तो इसे यही देखा जा रहा है कि नई कांग्रेस बनाने में जुटे हुए हैं, जो जरूरी भी है। अब देखना ये होगा कि मुद्दों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी, महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक और बात है वो ये कि राहुल गांधी की तमाम मेहनतें जो हैं वो जीत में तब्दील नहीं हो पा रही हैं। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी वाकई में किस तरह से गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, ये तमाम जगहों पे जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह के रोल अपनाते हैं और जो जीत का मंत्र अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं वो कितना कारगर साबित हो रहा है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएनआई न्यूज़।